फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड, मुझे काफ़ी टाइम से जो है स्नैजिंग चैनल की जो है रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मुझे बोलना भी सही से नहीं आ रहा। तो इसी की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मुझे फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला है इसको करने का, तो मैं करती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मुझसे हो पाता है या नहीं। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले। और जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये यूपी है और यहाँ जो है बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ मैं, और हाँ ये भी कहूँगी कि मैं बहुत से लोगों के जो है मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही, और बहुत से लोग मुझे बहुत सी चीज़ों का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँ। और साथ ही अगर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे तो अभी मुझे काफ़ी टाइम रहना है, यहाँ से अगर मैं जाती हूँ दिल्ली तो वहाँ पर जो है मैं आपके मैसेज का जो है रिप्लाई करूँगी। क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, अभी मैं घर पर जो है वीडियो बना रही हूँ, फिर मुझे इसे छत पर जो है नेटवर्क आता है, तो मैं 24 घंटे छत पर नहीं बैठ सकती क्योंकि यहाँ पर मेरे सास ससुर सभी फैमिली में रही हैं। इसी वजह से मैं जो है छत पर जो है मोबाइल को रख देती हूँ और धीरे धीरे जो है वीडियो अपलोड होती रहती है। तो इसीलिए जो है कभी कभी 2 दिन में जाती है, कभी 1 दिन में चली जाती है। वो नेटवर्क का ही जो प्रॉब्लम होता है, जब स्लो नेट चलता है तो टाइम लगता है जाने में वीडियो को, और अगर फास्ट नेट चलता है तो आप जानते ही हैं कि वीडियो फटाफट चली जाती है। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे हाथ पे लिया है ये फुल झाड़ू का, और थोड़ा सा ले रखा है मैंने। इसको मैं क्या करूँगी कि नाक में इस तरीके से डालूंगी। इसे करने से पता क्या होता है कि ना जल्दी सीक आ जाती है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे कितनी लेट देर में आती है। मोबाइल मैंने हाथ में ही पकड़ा हुआ है, सभी को पता है कि मेरा ट्राईपॉड टूट गया है, अभी लिया भी नहीं है मैंने। तो दूसरी बार ट्राई करती हूँ। फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। तो मैंने यहाँ पर जो है फुल झाड़ू का जो होता है सीख, मैंने उसका यूज़ किया है। बहुत से लोग मोर के पंख का यूज़ करते हैं, तो जब हमारा जो लोग काफ़ी ज़्यादा जुखाम होता है, नाक जाम होता है, तो 1-2 बार छिकाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, अगर आपका सर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा हो तो वो हल्का हो जाता है, और आपके नाक में जो भी गंदगी जमी होती है वो छींक के जरिए ही बाहर आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड, बस मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।